अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम U3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला यूनिट जो यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस यूनिट का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पहले हम देखेंगे व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एज यू नो, इन एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आपके रोजमर्रा के जो जिंदगी है, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इसमें हम आए दिन चेंजेस अपने इर्द गिर्द देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंसेस, और इन चेंजेस में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर। आपकी माँ आपसे कहेगी, बेटा शुगर पानी में डिजॉल्व करो। किस लिए? आज गर्मी का मौसम है, कभी हमें ठंडा पानी बनाने की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मेक कोल्ड ड्रिंक। ठंडा पानी लाके हम उसमें शुगर डिजॉल्व करते हैं और थोड़ा सा लिमो उसमें मिला के हम गर्म ही कोल्ड ड्रिंक तैयार करते हैं। तो आप क्या करते हो, जब आपकी माँ आपसे कहती है कि शुगर पानी में डिजॉल्व करो, फिर आप क्या करते हो? मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन। यू आर मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन, and that sugar solution is a change. Making a sugar solution is a change. और ये भी एक change है, मगर ये कौन सी change है? ये chemical change है. Similarly, settling curd from milk is a change. अगर आपके घर में गाय है और आपको वाफिर मकदार में दूध मैसर है, तो आपके घर वाले क्या करते हैं, आपकी माँ क्या करती है, वो इससे curd भी बनाती है। क्या बनाती है? curd। और उसको सेटल करने में क्या करते हैं वो? दैट मीन्स देयर आल्सो ऑकर्स अ चेंज। मिल्क से कर्ड बनाना, ये भी एक चेंज है, बट दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज। ये भी एक केमिकल चेंज है। हाँ, इसमें फिजिकल चेंज भी आती है। पहले लिक्विड होता है मिल्क, अब जब इसमें कर्ड बनते हैं तो इट टर्न्स इनटू ए सॉलिड। यू शुड सॉलिड इज मस्ट चेंज गसन। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। कभी क्या होता है, मिल्क गेट सोर। ये जो मिल्क होता है, हम इसको रखते हैं ऐसे ऐसे आसान जाम दूध बनाऊ, या हम फॉरगेट करते हैं, हम भूल जाते हैं दूध ऐसे ही किसी बर्तन में, तो दैट टर्न सुअर। वो क्या बन जाता है? सुअर यानी थोड़ा खट्टा बन जाता है। इससे क्या होता है? दैट इज आल्सो ए चेंज। ये भी एक चेंज है, दैट इज आल्सो ए चेंज, बट दैट चेंज इज ए केमिकल चेंज। नाउ स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड। हमारे पास एक रबर बैंड होता है, अगर हम इस रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, ये रबर बैंड स्ट्रेच करने से क्या होता है, इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो उस मतलब वो इलास्टिसिटी होने से ये खुल जाता है। ये जेठान, और इसमें भी चेंज आ जाती है, मगर ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। सो रबर बैंड को भी हम स्ट्रेच करते हैं और ये भी एक चेंज दिखाती है, दैट टू इज अ चेंज, एंड दैट चेंज इज अ फिजिकल चेंज। नाउ यू सी डिफरेंट चेंजेस। दीज चेंजेस हैव बीन ग्रुप्ड इन टू ग्रुप्स, वन इज फिजिकल चेंज एंड अनदर इज केमिकल चेंज। ऑल दीज चेंजेस जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, जो भी आप इस कायनात में देखते हैं, ये चेंजेस जो होते हैं, ये चेंजेस हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज फिजिकल चेंज एंड अनदर इज केमिकल चेंज। नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल चेंज। पहले हम फिजिकल चेंज समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल चेंज हम किससे कहते हैं? चेंजेस दैट ओकर इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। वो चेंजेस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सब्सटेंसेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगी, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे, अगर हम इसको क्रश करने की कोशिश करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, दैट चेंज इज ए फिजिकल चेंज। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर मेरे हाथ में है, अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, हम ब्रेक इसको कर सकते हैं, बट दैट चेंज इज ए फिजिकल चेंज, यानी ये फिजिकली हमें दिखता है, ये इसके फिजिक में ये चेंज आती है। सो वी विल डू एक्टिविटी, वी विल डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करने की कोशिश हम करेंगे, जिसमें हम अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज ए फिजिकल चेंज। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए पेपर। यहाँ पे हमने लिखा है टेक ए पीस ऑफ पेपर
एंड कट इट इंटू फोर स्क्वायर पीसेस. हम एक पेपर लेंगे और फिर इसको चार हिस्सों में हम क्या फोर स्क्वायर दैट मीन्स फोर इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे. ये हमने पेपर लिया है, ठीक है, गौर से देखिए. फिर हम क्या करेंगे, वी विल फोल्ड इट इंटू फोर स्क्वायर पीसेस, ठीक है. नाउ फिर क्या करना है, स्क्वायर पीसेस इनको हमने कट करना है. कट इट इन फोर स्क्वायर पीसेस, ये बन गए दो, ठीक है. अब इनको मिला के या अलग से भी हम इनके और दो बनाएंगे तो हो गए चार. हमने इसको चार पीस में कट करना है, ठीक है. फिर क्या करना है, ये देखो आप गौर से देखिए. यहां पे हम जूम करने की कोशिश करेंगे, यहां पे देखेंगे हम. ये हमने एक ही, अभी हमारे पास एक पेपर था, अब हमने इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया. अब देखिए चार पीसेस को मिला के हम वही पेपर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. देखिए मगर इसमें डिफरेंस आ जाएगी क्योंकि हमने इसमें कुछ काटा भी नहीं है, हमने इसको डिवाइड किया है इंटू फोर इक्वल पीसेस. अब क्या करना है, ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर. अब हमने इसको फ्लोर पे ले करना है जो हमने किया इस तरह उन्हीं फ्लोर्स पर. फ्लोर पे डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको वैसे ही समेटने की जैसे ये पहले था. सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, ताकि ये क्या हो जाएगा, इससे ये हम कोशिश करेंगे वो ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर बनाने की जो हमने पहले काटा, जो हमारे पास पहले मौजूद था. नाउ ऑब्वियसली वी कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस. हम इसको फिर से जोड़ नहीं सकते हैं वैसे ही जैसे ओरिजिनली था, टू मेक द ओरिजिनल पीस, इन्हें ओरिजिनल पीस बनाने के लिए. ये चेंज फिजिकल चेंज दिखाती है. नाउ हमने चार पीस में से हम एक पीस लेंगे, फिर से ये एक पीस हम फिर से चार पीसेस में, फोर इक्वल पीसेस में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. आप देख लीजिए, ठीक है, ये हमने यहां से काट दिया. आप देख लेना, हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ मत काटेंगे, जो हम फेंकने की कोशिश करेंगे वैसी बात नहीं है. हमने इसको फोर इक्वल पीस में ब्रेक किया. ना देख लीजिए खुद ही चार पीसेस फिर से मिलाने की कोशिश हम करेंगे जो हमने पहले किया था. आप खुद ही कंपेयर कीजिए, ये इस वाला इस जैसा पीस एक था, जैसे ये पीस हमारे पास मौजूद है, इसी का एक पार्ट ये है जिसको हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया. अब खुद देख लीजिए आप यहां पे कि ये कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हमने कट किया और जोड़ने की कोशिश की मगर हम इसको एग्जैक्टली जोड़ नहीं पाए. जो हमारे पास ओरिजिनल पीस था उस जैसा पीस हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ. बट देयर इज अ चेंज, इसमें मगर चेंज आ गई. हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं काटा, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं, मगर इसमें चेंज आ गई क्योंकि हमने कोशिश की इसको ओरिजिनल पीस बनाने की मगर हम नहीं बना पाए. बट स्टिल देयर इज अ चेंज, इवन दो देयर इज अ चेंज, दैट चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने इसका फिजिक जो है, जो फिजिकली हमें दिख रहा है ये पेपर, इसको हमने काट के इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया, वो चार हिस्से मिला के फिर भी हम ओरिजिनल पीस तैयार नहीं कर पाए. दिस चेंज इज ए फिजिकल चेंज. सम अदर एग्जांपल्स कैन आल्सो बी टेकन हियर. अगर हमारे पास एक चॉक है, ब्लैक बोर्ड पे जिससे लिखते हैं चॉक, अगर हम उसको पानी में डिजॉल्व करेंगे, पानी में डिजॉल्व करने के बाद यहाँ